नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। कामधेनु आयोग के अध्यक्ष का दावा, गाय का गोबर रोक सकता है रेडिएशन, मोबाइल में हो इस्तेमाल। गुजरात के राजकोट में 100 महिलाओं ने लाइसेंसी हथियार के लिए किया आवेदन। दावा, मोबाइल फोन स्टिल और नोट पर 28 दिन तक रहता है कोरोना वायरस। पूर्व जज जस्टिस लोकुर ने कहा कि हिम्मत दिखाने वालों के खिलाफ हो रहा राजद्रोह कानून का दुरुपयोग। भाभा परमाणु केंद्र के 6 अक्टूबर से लापता वैज्ञानिक विजयवाड़ा में मिले। अब यूएई में बसे भारतीयों को स्वदेश आने के लिए दूतावास में पंजीकरण की जरूरत नहीं। 250 करोड़ की ठगी में एसएमपी इंपैक्स प्राइवेट लिमिटेड की महिला निदेशक गोवा से गिरफ्तार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पूजा करने वाले प्रशंसक बूसा कृष्णन की दिल का दौरा पड़ने से मौत। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा राज्यों को देने के लिए केंद्र के पास नहीं है पैसे। सिविल सेवा परीक्षा 2021 में अतिरिक्त मौका देने को लेकर याचिका दायर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा को शिक्षाविदों के लिए छोड़ दे। हाथरस जाते वक्त गिरफ्तार पत्रकार की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। मुंबई के एक अस्पताल में आग लगने के बाद दूसरी जगह शिफ्ट किए गए 40 मरीज, एक की मौत। अनिल अंबानी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और एसबीआई से मांगी राय। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र गहरे दबाव में बदला, तेलंगाना में भारी बारिश का अनुमान। कर्नाटक में सुधाकर बने स्वास्थ्य मंत्री, श्री रामुलु को मिला समाज कल्याण मंत्रालय का जिम्मा। बंगाल में भाजपा की धमकी, हमारे एक नेता के बदले 4 तृणमूल नेताओं को बनाएंगे निशाना। आंध्र प्रदेश में न्यायाधीशों पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। केरल घूमने की चाह रखने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, जल्द पर्यटकों के लिए खुलेगा राज्य। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन ने सीमा विवाद इस तरह पैदा किया जैसे ये कोई अभियान हो। ओडिशा विधानसभा के पूर्व स्पीकर शरद कुमार का कोरोना से निधन। पायल तड़वी आत्महत्या मामले में स्थानीय लोगों व परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नागालैंड के पूर्व पर्यावरण मंत्री चांग का 78 वर्ष की उम्र में निधन। 6 साल की रानी बच्चे ने मचाई सनसनी, फिटनेस और फुटबॉल स्किल से दिग्गजों को बनाया दीवाना। विश्व टूर फाइनल्स में सिंधु को सीधा प्रवेश नहीं, कोविड-19 के कारण बीडब्ल्यूएफ ने बदले नियम।